जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल चक फैज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट 12th एग्ज़ाम 2023 दिए हैं, अगर आपके नंबर कम है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस स्कूटनी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आपका नंबर बढ़ सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले आपको इस नोटिस को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो हम आज आपको ऑनलाइन अप्लाई और वो भी मोबाइल से कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल में चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी हम गूगल में हैं, तो गूगल में अभी हम लिखेंगे सरकारी एग्ज़ाम। तो हमने सरकारी एग्ज़ाम लिख दिया है और इसको सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे, आपको इसके नीचे जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर निकल के आ जाएगा, तो वहाँ आप सर्च करेंगे और इसको जो है स्क्रॉल करके नीचे आना है। और जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ देखिएगा बिहार बोर्ड 12th स्कूटनी का यहाँ नोटिस भी मिल जाएगा। आप लोग नोटिस को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसके बाद ऑनलाइन करें आवेदन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम और इसको नीचे स्क्रॉल करते हम चले जाएंगे नीचे की तरफ। और यहाँ देखिए आप अप्लाई ऑनलाइन 12th स्कूटनी, यहाँ से जो है आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कूटनी करने का फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म पे ही चले जाइएगा। ये आपके सामने फॉर्म आ गया है और इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले सबसे पहले आपको जो है रोल कोड होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एक ईमेल होना चाहिए और मोबाइल नंबर, और पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत होगी। पेमेंट जो है एक सब्जेक्ट में अगर आप स्कूटनी करते हैं तो 120 रुपये आपको चार्ज देना होगा। चलिए मैं इस फॉर्म को सबसे पहले फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है फिल करना है, फर्स्ट में जो है इंटरमीडिएट एनुअल एग्ज़ाम 2023, इसमें पहले से ही टिक लगा है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला, किस ज़िला से आप हैं तो आप ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं वैशाली से हूँ तो वैशाली सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। और दूसरा में जो है रोल कोड डालना है, तो रोल कोड में आप अपना रोल कोड डाल देंगे 3331। मैंने रोल कोड भी डाल दिया, रोल नंबर आप डालना है। तो रोल नंबर में है जो आप अपना रोल नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ 2301014 हमने रोल नंबर भी डाल दिया। आपको संकाय डालना है, फैकल्टी यानी आप किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिए, तो ये लड़का ने, स्टूडेंट ने साइंस से दिया था, मैंने इसमें साइंस डाल दिया। अब यहाँ जो है रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो है सब फॉर्म भर देने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पर जो है नीचे
आपको एप्लीकेशन आईडी मेल मिल गया है, इस एप्लीकेशन आईडी को आपको लिखना है और फिर इसे ही एप्लीकेशन आईडी डाल के आपको यहाँ वाले ईए वाले फॉर्म में डालना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, इसके लॉगिन करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए मैं अब लॉगिन करता हूँ। अब जो है आप नीचे जो शो कर रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, आप इस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ फिल कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर है VSEB23S18732। हमने इसको डाल दिया है। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है R, उसके बाद है 33111451। जैसे ही हम डालेंगे तो इसको अब हम लॉगिन कर देंगे, इसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपका सारा डिटेल्स खुल जाएगा। तो अब आपको जो है जहाँ पे स्टार दिया है, और जैसे कि स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो जहाँ जहाँ भी फॉर्म का नियम है, जहाँ स्टार है और खाली है वहाँ आपको भरना पड़ेगा। स्टार नहीं लगा रहता तो नहीं भी डालते तो चल जाता। तो आपका सब कुछ है खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आप जो है सबको फिल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, यहाँ पर पिन कोड मांग रहा है तो पिन कोड आप डाल दीजिए। एट फोर फोर फाइव जीरो सेवन। और यहाँ पर ईमेल मांग रहा है तो ईमेल में आप अपना ईमेल डाल दीजिएगा RAJNESH रजनीश कुमार @gmail.com। ईमेल डाल दिए हैं। अब जो है आपको कॉन्टेक्ट नंबर एक डाल देना है। जैसे मैं डाल देता हूँ एट जीरो, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। अब सब जो है फॉर्म, अब एड्रेस में अपना एड्रेस डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ विलेज माना, आप लोग पूरा अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। और पिन कोड जो है मेरा 6 है लास्ट में। और उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है, बॉक्स में आपको जितने सब्जेक्ट में, मैंने 2 3 4 जितने सब्जेक्ट में आपको डाउट है कि हमें कम नंबर मिला है, आपको स्क्रूटनी करना है। जैसे मैं एक में करना है, जैसे इंग्लिश में करना है तो एक पर ही दबाएंगे, एक एक बॉक्स में ही टिक लगाएंगे। अगर सारे में करना है तो सारे में कर देंगे, अगर दो करना है तो दो। जैसे एग्जांपल, अगर इंग्लिश में हमें कम नंबर मिला है और मैंने बढ़िया लिख के आया था तो हम एक में करेंगे, और एक का फी चार्ज जो है 120 रुपया है। अगर आप दो करेंगे तो दो का जो है 240 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको फिल कर देंगे। तो जैसे मैं एक का किया है इंग्लिश का, तो सिर्फ मैं अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, आप सबमिट का बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे परमिशन मांगा जा रहा है कि आप सब चीज़ सही भरे हैं ना, तो इस पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा, आपके सामने जो है आप जो भरे हैं वो सारे जो है आपके सामने खुल जाएंगे। और आप देखिए, आपने एक विषय चूज किया था, जैसे मैंने चूज किया एक, और उसके नीचे जो है 120 रुपये लिया। अगर दो हम करते तो 240 रुपया पेमेंट मांगते।
अब डायरेक्ट जो है चेंज, अगर आपको चेंज भी करना है अभी तो कुछ कर सकते हैं, और नहीं करना है आगे पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पर आ गए। मेरा जो है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, आपको कार्ड से अगर पेमेंट कटाना है, डेबिट कार्ड जिसे आप लोग एटीएम कार्ड करते हैं, तो एटीएम कार्ड यानी ऊपर वाले चुनेंगे कार्ड्स वाले, ये वाले। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे जो है कार्ड का नंबर मांगेगा और होल्डर नेम यानी किसके नाम से खाता है या अकाउंट है, और उनका जो है वैलिड कब तक है कार्ड, और सीवीवी नंबर होता है वो डाल के यहाँ से प्रोसीड करेंगे। पेमेंट कट जाएगा और आपको एक प्रिंट कर लेना है और उसको रखना है। तो इसी तरह आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।